मंदिर में क्यों छोड़ा है? मैं माँ से तुम्हारी शिकायत करूंगी कि मंदिर का बोल के जगदीशा जंगल में गया था। जा, जिसको बोलना बोल दे। जगदीशा किसी से नहीं डरता। मैं ये भी सबको बता दूंगी कि जगदीश कह रहा था वो किसी से नहीं डरता। चुगलखोर सबको बताएगी, मेरी शिकायत करेगी। जा अब बता। जाकर चुप करा उसे, वरना घर जाकर किसी को बोल दिया हमारी चोरी पकड़ी जाएगी। अरे रो क्यों रही हो? ये तो जब देखो रोती ही रहती है। तू चुप रह। एक तो मुझे मंदिर में अकेला छोड़ा है, ऊपर से इस बंदर ने मेरी चोटी भी खींची। हम तो यहाँ बेर लेने के लिए आए थे। वो देखो बेर का पेड़, वहाँ बहुत मीठी मीठी बेर होते हैं। और तुम्हें पेड़ पे चढ़ के बेर तोड़ने में मजा आता है ना? तोड़ू? कोई चिल्लाएगा तो नहीं ना? नहीं चिल्लाएगा। ये कौन है जीजी? लो, मुझे नहीं पहचाना? मैं तुम्हारा नंदोई हूँ। नंदोई? अरे मैं तेरी ननंद हूँ ना, तो ननंद के घरवाले को नंदोई कहते हैं। जैसे जगदीश तुम्हारा घरवाला है ना, समझी? अच्छा, तो ये आपके लिए मीठे मीठे गन्ने लाते हैं ना? खाने के बाद तो कभी भूल ही नहीं सकती है। और पता है आम भी लेके आते हैं, बहुत सारे बहुत मीठे, तुम्हारे लिए भी लेकर आएंगे। सच्ची? हाँ। लेकिन तुम ये जंगल वाली बात किसी को बताओगी तो नहीं घर पे? ये तो झूठ हुआ ना, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। पता है नाक फूल जाती है झूठ बोलने से। मैं तुम्हें झूठ बोलने के लिए कहाँ बोल रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि तुम किसी को बताना मत, ठीक है? फिर तो ये मेरे लिए आम लाएंगे ना? मेरे गांव में भी आम होते हैं, लेकिन उतने मीठे नहीं। बापू कभी कभी लाते हैं दूसरे गांव से, कहते हैं बहुत महंगे आते हैं आम। सच्ची में आप मेरे लिए लाओगे ना? ले आऊंगा बाबा। तेरी भाभी तो जान गई हमारे बारे में, अब इससे पहले ही किसी और को पता चले अपनी माँ से गौने की बात कर ले। सुनना, आप दोनों क्या बातें कर रहे हो? हम तो बेर की बात कर रहे हैं, चलो बेर तोड़ने के लिए। तुझे समझाया ना बेटा, अभी तेरा गौना नहीं कर सकते। एक बार सही समय आने दे, फिर धूमधाम से हम सब मिलकर तेरा गौना करेंगे। सही समय? सही समय क्या होता है माँ? मुहूर्त तो देखना है ना, वो तो पंडित जी बता देंगे। तू नहीं समझेगी छोरी, बच्ची है अभी। ये अच्छा है, कोई भूल हो जाए तो कहती हूँ इतनी बड़ी हो गई है, जरा भी अक्कल नहीं है। और गौने की बात करती हूँ तो मैं बच्ची हो जाती हूँ। इतना तो समझ सकती हूँ कि मेरी माँ मेरा गौना करना ही नहीं चाहती। अरे मेरी लाडू, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? मैं क्या जानू? अरे कहाँ तो छोरी अपने सासरे जाने से कतराती है, और एक ये है मेरी लाडू तड़प रही है अपने सासरे जाने के लिए। सासू माँ, मैं तो सुगना जीजी से भी छोटी हूँ, मेरा गौना करा दिया, जीजी का क्यों नहीं? तेरे ही भले के लिए। सुगना जब तक इस घर में रहेगी तेरा भी जी लगा रहेगा, वो तेरी ननद भी है और सहेली भी है ना? और फिर सुगना के अलावा इस घर में है ही कौन तेरी उम्र का, है ना? सुगना के सासरे में तो कोई और छोरी ही नहीं है, वो अकेली क्या करेगी वहाँ? जब तक यहाँ अपने माँ बापू के घर में रहेगी, ठाट से खा पी कर रहेगी और अपनी भाभी के साथ खूब मजा करेगी। पर मैं तो अपने बापू के घर अकेली नहीं थी, बहुत सारी सहेलियाँ थी गांव में, बहुत मजा आता था। फिर आप मुझे क्यों ले आई यहाँ जबरदस्ती?
डाला तो मसा कितना? दो बूंद। सुमित्रा एक ही लड़का है, उसका भी ठीक से ध्यान नहीं रखा जाता था। हमारे दो दो छोरे हैं, जब मैं रसोई संभालती थी खाने बैठते थे तो कटोरे में ऊपर तक तैरता था घी, जितनी दाल उतना घी। फिर छोरों की शादियां हो गई, लुगाइयों ने कंजूसी करनी शुरू कर दी, हमारे हट्टे कट्टे बांके छोरे सूप के कांटा हो रहे। तो अब हमारे पोते पे कुछ तो मेहरबानी कर देना, डालना थोड़ा और घी। कौन सा थारे बाप के घर से घी आता है? अपने बाप की कमाई खाता है हमारा छोरा। डाल। बस ऐसा खा तो सही, मुझे इतना घी अच्छा नहीं लगता। देख घी नहीं खाएगा तो शरीर में ताकत कहाँ से आएगी है? तुझे बड़ा होना है ना जल्दी जल्दी अपने बापू की तरह है? खा खा, अच्छा है तेरे लिए। देखा सुमित्रा, ये छोरा है, मेहनत करता है दिन भर, पढ़ाई करने के लिए स्कूल जाता है, घर आकर फिर पढ़ाई करता है, फिर खेलने कूदने को निकल जाता है बाहर। ऐसे में खान पान का ध्यान तो रखना ही पड़ता है ना। इसकी तरह नहीं, न काम की न काज की, दुश्मन अनाज की। चल एक रोटी डाल छोड़े को। बस ऐसा पेट भर गया मेरा, अगर नींद आ गई तो स्कूल का काम नहीं कर पाऊंगा, और अगर काम नहीं गया तो टीचर जी बहुत डांटेगी मुझे। अरे तुम्हारे को ले चलना अपने टीचर के पास, मैं उसे समझा दूंगी। बस जी एक रोटी और खा ले, डालना सुमित्रा। ऐसा आधा दिन तो सुगना जी के साथ ही निकल गया और मैं अपने दोस्तों के पास भी नहीं गया। गए कहाँ थे तुम लोग? जी जी मुझे लेके मंदिर गए थे, अब रात भर पढ़ाई करनी पड़ेगी मुझे। देख तू बिल्कुल मत डरना अपने टीचर से। हाँ किसी में हिम्मत नहीं है कि हमारे पोते पे चिल्लाए, क्यों रे बसंत? जी हाँ मासा बिल्कुल। देख जगदीश, तुझे कोई परेशान करे ना तो मुझसे आके कहना, समझा? सासू माँ बहुत भूख लगी है, मुझे खाना कब मिलेगा? आनंदी बेटा मेरे साथ रसोई में आ तो गुड़ ऊपर से निकाल कर दे दे। गुड़ तो यहाँ रखा है, फिर आपने क्यों कहा कि ऊपर से निकाल दे? आपने झूठ बोला ना? टीचर जी कहती थी झूठ बोलने से पाप लगता है और नाक भी फूलती है, देखो तो आपकी नाक फूल गई क्या? जो झूठ अच्छे काम के लिए बोला जाता है उससे ना ही तो पाप लगता है और ना ही नाक फूलती है। साची? हाँ साची, तेरी माँ ने कभी ऐसे खाना नहीं खिलाया क्या तुझे? खिलाया है। तुझे भूख लगी थी ना, ये ले जल्दी से खा ले और फिर गुड़ लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? अब कितनी अच्छी हो, बिल्कुल मेरी माँ जैसी। अब जल्दी आना। जल्दी तो खा रहा हूँ, इससे जल्दी कैसे खाऊं?
कोई बात नहीं, आराम से खा। बापू कहते हैं खाना पूरे 32 दांतों से चबा कर खाना चाहिए, तभी तो हजम होता है। आराम से खा। है ना छोरी, जगदीशा की थाल में खाना है, नहीं तो भूखी रहना। अरे रुक, बड़ी आई घी डालने वाली, कितना बिगाड़ेगी इसे सुमित्रा। मासा, उसने घी मांगा तो थारा दिल पिघल गया। अरे पहले हट्टी कट्टी है छोरी, और चर्बी चढ़ जाएगी ना तो जगदीशिया की अम्मा लगेगी। आप हमेशा जगदीश की तरफ से क्यों बोलती हो? खाते वक्त बात नहीं करते, चल खाना खा। तो ऐसे घूर के तो ना देख, बड़ा घी खाया था ना अपने मायके में जो आप मांग रही है। जो मिलता है चुपचाप खा ले। आनंदी बेटा, घी खाने से सिर्फ ताकत आती है, अक्कल थोड़ी ही आती है। जगिया की दादी उसे घी में डुबो डुबो कर रोटियां खिलाती है, लेकिन समझदारी में मेरी आनंदी से बढ़कर है क्या कोई? वो तो ऐसा ही है, बस झगड़ा करना तो आता है उसे। चल खाना खा ले। पंद्रह एकम 15, 15 × 3 = 30, 15 × 3 = 45, 15 × 4 = 60। सवाल दे दिया मास्टर जी ने। तू यहाँ क्या कर रही है? चल भाग यहाँ से। देखो जरा कहाँ अटक गई तेरी गाड़ी। जा यहाँ से। बड़ी ही आई। अपनी कक्षा में गणित में सबसे ज्यादा नंबर मिलते थे मुझे। बता ना, हल कर दूंगी तेरा सवाल। मैं नहीं कर सकता तो तू क्या करेगी? अरे देख लो तो दे, फिर बताऊंगी कैसे करूंगी। चलो ना भाभी, ये क्या करने लगी? छोरियों की बस की बात नहीं है। चल भाग ऐसे, मेरा टाइम खराब मत कर, बहुत काम करना है मुझे। पेंसिल दे। जो ना कर पाए तो मुर्गा बनना पड़ेगा। ठीक है। कर रहा था, मेरे से क्यों नहीं हुआ? क्योंकि घी खाने से सिर्फ ताकत बढ़ती है, अक्कल नहीं आती, समझा? अच्छा जरा ये 5 सवाल और करके दिखा। मैं तेरा काम क्यों करूं? सोच ले, अगर तूने कर दिया तो बढ़िया वाली कुल्फी ले दूंगा। सच्ची? हाँ, और अगर ना दिया तो नाक नहीं फूल जाएगी? हाँ, झूठ बोलने से सच्ची में नाक फूलती है, टीचर जी यही बोलती थी।
ठीक है, तुम दोनों पढ़ाई करो, मैं जाके टीवी देखती हूँ। हाँ जाओ जीजी, मैं अभी आई। भाभी तुम भी साथ चलोगी तो अच्छा होगा। नहीं जीजी, आप जाओ ना, इतने ही तो है, मैं फटाफट करके आ जाऊंगी। ये क्या हो रहा है? जगदीशिया की किताबों को फिर से हाथ लगाया तूने? इसने कुछ नहीं किया दादी सा, मैंने कहा था इसे, एक सवाल नहीं हल हो रहा था मेरे से, इस आनंदी ने झट से कर दिया। सुन छोरी, आगे से इसकी किताबों को हाथ भी मत लगाना, कह देती हूँ। पढ़ाई लिखाई करनी थी अपने मायके में कर ली, जहां जे सब नहीं चलेगा। हाँ, और खबरदार खबरदार जो हमारे पोते को पढ़ते वक्त परेशान किया। तो मैं तो इसकी मदद कर रही थी। इतना ही शौक है मदद करने का तो अपनी सास का हाथ बटाना रसोई में जाके, यहाँ इसका दिमाग क्यों टाट रही है? चल भाग यहां से। क्या दादी सा, थोड़ी देर और रहने देते ना इसे, मेरा काम हो जाता। अब रात भर जाग के मुझे काम करना पड़ेगा। अब जो तूने उस छोरी को फिर कभी अपनी किताब छूने दी ना, तो देख लेना थारी दादी थारी एक बात भी नहीं मानेंगी और बाजार से कुछ चीज भी ला के नहीं देगी। लेकिन दादी सा, वो तो मेरा ही काम कर रही थी। ये समझता नहीं क्या? मैं जो कह रही हूँ सुन, उस छोरी को अपनी किताबों से दूर रखना, समझ गया ना? पहली बार तो वो नकचरी चुहिया मेरी किसी काम आई थी और दाईसा ने भगा दिया उसे, और जब मैं कहता हूँ कि उस नकचरी चुहिया को इस घर से भगा दो, तब सब मेरे ऊपर ही चिल्लाते हैं। अब क्यों भगा दिया इसे? आनंदी बेटा, तू तो मेरी रानी बेटी है, रोते थोड़े ही है। तुझे टीवी देखना अच्छा लगता है ना? सुगना अंदर टीवी देख रही है, तू जा उसके साथ टीवी देख। सुमित्रा जरा इधर तो आ। जी मासा, तू जा। छोरी पहले ही बिगड़ी बिगड़ाई हुई आई है, तू उसे और सर पे मत चढ़ा। चार किताबें पढ़ लेगी ना तो डेढ़ कोस लंबी जबान और भी लंबी हो जाएगी, फिर सर पीटेगी अपना। पहले कह रही हूं, मारे जीते जी इस छोरी को किताबों से दूर रख, समझा इसे? जी पढ़ना लिखना छोरों का काम है, छोरियों का नहीं। उसे चूल्हा चौका सिखा, खाना बनाना सिखा, सुघर बना।
इसीलिए तारे से मिलने आए हैं ना हम लोग। आप लोग बैठकर आराम से बात कर लीजिए। इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे। आइए। बैठिए ना। सुमित्रा, कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम करो ना। नहीं नहीं समधी जी, बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पी सकते। क्यों बापू, मैं तो यहाँ रोज पानी भी पीती हूँ और खाना भी खाती हूँ। आनंदी बेटा, तेरा ही घर है ये, तू यहाँ जो जी चाहे कर सकती है। समधी जी, ये सिंजारा लाए हैं, थोड़े कपड़े हैं, कुछ मिठाई हैं। इसके लिए भी और कमर साहब के लिए भी। कमर साहब दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? घर में ही है, अभी बुलाते हैं उसे। आप लोग बैठिए, आराम से आनंदी से बातें कीजिए। Log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.